हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे आप घर पर ही फेशियल एंड क्लीनअप कर सकते हैं। फेशियल एंड क्लीनअप हम लोगों की स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, हमारी डार्क सर्कल रिमूव हो जाते हैं, ब्लैक हेड और वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग बन जाती है। ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। फेशियल एंड क्लीनअप का आपको रेगुलरली ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी स्किन का ग्लो बना रहता है और आपकी स्किन जल्दी डल भी नहीं होती। इससे आपकी स्किन की सारी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले। उसके बाद मैं यहाँ एवरयूथ का स्क्रब अप्लाई करूंगी। ये बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल है। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने फेस पर इसे अप्लाई करें। देन सर्कुलर मोशन में जेंटली मसाज करें। जहाँ भी आपके ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है या फिर आपके डार्क सर्कल है, वहाँ पर आप अच्छे से मसाज करें। 10 टू 15 मिनट तक ऐसे मसाज करके आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। स्क्रब के बाद मैं ब्लैक हेड रिमूवर अप्लाई करूँगी, क्योंकि स्क्रब करने के बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिससे आप ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। देन मैं अपना लोटस का व्हाइट ग्लो पैक अप्लाई करूंगी। ये बहुत अच्छा लिक्विड फेस पैक है। इसे आप वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन की स्किन टोन ब्राइटन होगी। ये काफी क्रीमी है तो ये अच्छे से ड्राई नहीं होता है। आफ्टर 20 मिनट आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। लास्ट में फेस मॉइस्चराइज करूंगी। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी शाइनी हो गई है। आप भी घर पर ट्राई करके जरूर देखें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।